नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी नियंत्रित करने सहित 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते हिमालय से भी पुराने हैं। पीएम मोदी और देउबा के बीच द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। देउबा के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी के पहलुओं की समीक्षा करते हुए सकारात्मक बैठक हुई। उन्होंने नेपाल के पीएम को आश्वासन दिया कि भारत उनके देश के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उधर देउबा ने भी कहा कि नेपाल कभी भी अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं चलने देगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर देउबा बुधवार को 4 दिनों के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। देउबा की मौजूदगी में पीएम मोदी ने रामायण टूरिज्म सर्किट को नेपाल से जोड़ने, नेपाल में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वक्त पर पूरा करने, पंचेश्वर प्रोजेक्ट की डीपीआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने आदि की बात कही।